पटरोना सीट छोड़ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाए। हेमंत, हेमंत जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेमंत जी से नेटवर्क हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन जो बड़ी खबरें आ रही हैं, जो जीत की बड़ी खबरें आ रही हैं, और मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से जरा जीत वाली ब्रेकिंग भी प्ले करें, एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कौन कौन चुनाव जीता है। इस चुनावी रण में जो बीजेपी के चेहरे चुनाव जीत कर आए हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आपके सामने एक बार फिर से बड़ी खबर। सीधे तौर पर जो पहली जीत की खबर का ऐलान हुआ था वो हम आपको बता दें कि सुरेश राही का ऐलान हुआ था, 41,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे, सबसे पहली जीत थी। हर गांव से बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव जीता, और इसके साथ साथ जिक्र अगर उत्तर प्रदेश का करें तो बड़ी खबर यह आ रही है कि लखीमपुर में 8 की 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। हेमंत एक साथ मेरे सहयोगी फिर से जुड़ गए हैं। हेमंत जी मेरा सवाल आपसे यही था कि बड़ी खबर फजील नगर से आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरह चुनाव हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव हारे हैं, अध्यक्ष लल्लू भी चुनाव हारे हैं, और सबसे बड़े मजे की बात आपको बता दें कि लड़की किन्नू पार विधानसभा से जो हरशंकर तिवारी के लड़के विनय पर चुनाव लड़ रहे थे वो भी चुनाव हार गए हैं। तो बड़े चेहरों में जिसपे सपा ने दांव लगाया था और वो जो है उनको मोर्ची खाली पड़ी है और मंडेट उनको गठबंधन ने नहीं दिया है, तो मिला जुला के अगर समाजवादी पार्टी के ऊपर निगाह डाली जाए। जी बिल्कुल हेमंत जी अपनी बात रखिए प्लीज। समाजवादी पार्टी के ऊपर तिलक जी अगर निगाह डाली जाए तो समाजवादी पार्टी का जो जोश था वो सड़कों तक ही नजर आया और बूथ तक वो जोश नहीं पहुंच पाया। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश जी के कार्यक्रमों में इसकी भीड़ सड़कों पर नजर आ रही थी वो बूथ तक नहीं पहुंच पाई, और जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने ये जीत का मार्जिन कुछ पता चला ये फजील नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ चुनाव हारे? फजील नगर में वो बुरी तरह चुनाव हारे हैं, तकरीबन 7-8 हजार का मार्जिन है का, और वही अजय कुमार लल्लू भी जीतते जाते नजर आए हैं। तो इस तरह से जो देखा जाए अदर पार्टियों में वो जो है करारी हार देखने को मिली है विपक्षी पार्टियों को, और जिस तरह का जोश सड़कों पर नजर आ रहा था वो बूथ तक जोश नहीं नजर आया है, और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी या दूसरी कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। और पूर्वांचल की बात अगर करें तो पूर्वांचल में योगी का साम्राज्य होता है और योगी के गढ़ में जो है एक प्रभाव रहता है, गोरखपुर के आस पास के जिलों में जो है सीएम योगी का एक प्रभाव देखने को फिर एक बार मिला है, और अधिकतर सीटें गोरखपुर की 9 सीटें, कुशीनगर की 7 सीटें, और कबीरनगर की 3 सीटें जो है बीजेपी के खाते में इधर नजर आ रही है। नहीं मैं पूर्वांचल का अगर जिक्र करूं क्योंकि कैंप सीधे तौर पर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया और कैंप योगी आदित्यनाथ ने भी अपने गढ़ में किया, लेकिन फिर भी जो फैक्टर है वो योगी आदित्यनाथ का दिखाई दिया या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो जो जादू का जिक्र किया जाता है किसका दिखाई दिया? जादू का अगर तिलक जी जो है जो जादू की बात है वो सीधी तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू पूर्वांचल में दिखा है, और जिस तरह से उनके दौरे रहे हैं, जिस तरह से गोरखपुर को एक बड़ी सौगात की मिली है, और जिस तरह से केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाएं और उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं वो धरातल तक जो पहुंची है, धरातल की बात जो बीजेपी ने की और गरीबों को मदद करने की कोशिश की उसका शायद असर देखने को मिला है, और निचले तबके के निचले पायदान पे रहने वाले लोगों को। मैं यूपी से हटके एक बड़ी खबर का जिक्र कर रहा हूँ और प्लीज उसको जरा फ्लैश करवाइएगा। वो बड़ी खबर उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा सीट से आ रही है, और ये इस सीट का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ उत्तराखंड की सीट का क्योंकि गंगोत्री ये वो विधानसभा सीट है जिसका इतिहास गवाह है कि जिसने भी गंगोत्री जीती उसने बनाई सरकार, और इस बार भी ये मिथक टूटा नहीं है।
क्योंकि बीजेपी के यहां से सुरेश चौहान चुनाव जीते हैं 7,637 वोटों से। ये एक बड़ी खबर, गंगोत्री सीट बीजेपी ने जीत ली है और बीजेपी चुनाव एक बार फिर से जीतने जा रही है उत्तराखंड में। गंगोत्री जिसने जीती, गंगोत्री उसने बनाई सरकार। लेकिन लखनऊ रुक करूंगा, लखनऊ हिमांशु मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से। हिमांशु, हिमांशु मेरा ऑडियो आ रहा है आपको?